हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर कैमरा वाइज में। तो आज के स्टूडियो में गाइड कॉस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी के पास गाइड कॉस नहीं आ रहा गाइस, तो जाके आप पिन कमेंट चेक करो, उसके अंदर लिंक मिल जाएगी कि आपको आपकी प्रॉब्लम कैसे फिक्स करने है। आपको 3 गाइड कॉस आ जाएगा, ओके, वो जाके वीडियो देख लो। अभी तो भाई बात करूँ, ये कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 डेज, ओनली 2 डेज। थंबनेल में देख लिया भाई, सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको टास्क दिखा देता हूँ, कुछ 5 मरतबा अपने को खेलना है वर्ल्ड बॉस लेजेंड, एक बार अपने को पोटेंशियल कंप्लीट करना है, और फिर कंबाइंड करना है फ्रेगरेंस, मतलब स्टोरी कंबाइंड करते हैं ना, स्टोरी मिशन के लिए जो स्टोरी का वो फ्रेगरेंस मिलता है उसको एक बार कंबाइंड करना है। फिर क्या भाई, फिर आपको उसको पोटेंशियल का 2 स्टेज करना है, ओके। 2 स्टेज करने के बाद फिर आपको डिस्पैच मिशन 5 मरतबा, फिर आपको 62 लेवल करना है एंटमैन का। जो भी आपने सेलेक्ट किया है कैरेक्टर, उसका 62 लेवल करना है, और जैसे ये गाइड कर रहे हो वैसे वैसे करना है, ओके। टाइम में बैटल 10 मरतबा खेलना है, ओके। अलायंस बैटल 1 मरतबा, गेयर 31 करने हैं ऑल, मतलब आपके चारों गेयर 21 करने हैं, सॉरी 21 लेवल करने हैं गेयर्स के। और आपको जो डायमेंशन मिशन से जो रिवॉर्ड मिलते हैं डायमेंशन मिशन से, उसको आपको 2 बार कलेक्ट करना है। फिर आपको पोटेंशियल लेवल 3 करना है एंटमैन, मतलब जो भी आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया। फिर 10 मरतबा मल्टीवर्स इन्वेंशन मैच खेलना है, फिर आपको 64 लेवल करना है जो भी आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया हो। लेजेंडरी बैटल 5 मरतबा खेलना है, और गेल अपडेट करने हैं 22 लेवल। फिर शैडो लेन 1 मरतबा, 5 मरतबा कार्ड अपडेट, पोटेंशियल 4 करना है फिर लेवल। फिर आपको वर्ल्ड GBR खेलना है, GBR 1 मरतबा, फिर आपको 66 लेवल करना है, फिर वर्ल्ड बॉस फिर से 5 मरतबा, मतलब यहाँ पे रीसेट हो गया, मतलब ये दूसरा दिन स्टार्ट हुआ 21 से दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, 21 स्टेज थे, दूसरा दिन स्टार्ट हुआ दूसरे दिन। फिर आपको वही वर्ल्ड बॉस 5 मरतबा, फिर 23 लेवल करना है ऑल गेयर्स का 23 लेवल। फिर से स्टोरी फ्रेगमेंट्स कंबाइंड करना है, फिर एंटमैन का जो भी आपने कैरेक्टर से लिया उसका पोटेंशियल 5 करना है लेवल, ओके। टाइमलाइन बैटल फिर 10 मरतबा, फिर आपको कस्टम गेयर अपडेट करने हैं, कस्टम गेयर मतलब जैसे ओब्लेस वो सब है ना, ओब्लेस अपडेट करने हैं 10 मरतबा, और फिर से 38 लेवल करना है, 68 लेवल करना है जो भी आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया हो। डायमेंशन लिफ्ट के 2 बार फिर से रिवॉर्ड कलेक्ट करने हैं, गेयर अपडेट करने हैं ऑल 24 लेवल, ओके। फिर से आपको खेलना है मल्टीवर्स इन्वेंशन 10 मरतबा, शैडोलैंड 1 मरतबा, और पोटेंशियल 6 करना है जो भी अपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया हो। फिर आखिर में हो जाएगा आपको लेवल 70 करना है, और लेवल 70 करके फिर आपको डिस्मैच मिशन 5 मरतबा, यहाँ पे आपको उडू को कंबाइंड करना है 10 मरतबा, ऑल गेयर अपडेट करना है 25 लेवल पे ऑल गेयर चारों गेयर। लेजेंडरी मेटल 5 मरतबा, एक बार शैडो लैन, जी बी आर एक बार, और फिर आखिरी में 40वां लेवल है Tier 3। अब ये यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको मटेरियल कम मिले, आधे से कम मटेरियल मिले यहाँ पे, यानी आपको आधे से ज़्यादा मटेरियल अपने तरफ से लगाने होंगे। वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट डेली खेलना होगा, अगर नहीं है तो मटेरियल नहीं है तो वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट डेली खेलना होगा, और ये 2 दिन में तो हो जाएगा। जो प्रो प्लेयर है जिनके पास ऑलरेडी मटेरियल, मेरे पास तो भाई ऑलरेडी मटेरियल है, मैं मटेरियल अपना मतलब कलेक्ट करके रखता हूँ, सेव करके रखता हूँ, तो वो मटेरियल मैं लगा दूँगा, मेरा ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ तक पहुँचूँ ना 20, ये जस्ट अभी सुबह पहुँचा मैं, अभी बना है कुछ 9:15 के ऊपर हो गए, तो मैं अभी जस्ट 8 बजे उठाऊँ, 8 बजे के थोड़ा आसपास, तो फिर मुझे हो गया। और यहाँ पे एकदम आसान है, मतलब 40 है, ओके। और पिछली मरतबा शायद 90 स्टेज थे, यहाँ 40 स्टेज है, 90-80 स्टेज थे, यहाँ इतना याद नहीं, जो एकदम पहले आता था गाइड्स कोर्स जो 9 प्लेयर्स के लिए था। ये है इवेंट, ये स्पेशल है न्यू प्लेयर, मतलब एक तरह से इवेंट ही समझो, है ना, इवेंट है या फिर अपडेट है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको एकदम अपने को ज़्यादा मटेरियल लगाने पड़ेंगे, जैसे उसके अंदर हमको आधे से ज़्यादा मटेरियल, उसके अंदर टाइटन बुक कुछ 4 या 5 मिलती थी, इसके अंदर टाइटन बुक सिर्फ 3 मिलेगी। कोई से भी कैरेक्टर लूँगे उसकी 3 टाइटन बुक मिलेगी, और 7 टाइटन बुक अपने को खुद लगानी है। आपको मेरे मटेरियल दिखाता हूँ यार, क्योंकि अभी मैं मटेरियल कलेक्ट करना है मुझे, ओके। यहाँ पे सारी मुझे स्पीड टाइप का मेरे पास 10 टाइटन बुक ऑलरेडी है, और मटेरियल भी अभी अच्छी है, मैं गेयर अपडेट कर सकता हूँ, उसको Tier 3 कर सकता हूँ, लेकिन मैं गाइड कॉस्ट से करूँगा,
ओके गाइड कोर्स से मैं करूँगा एंटमैन को टीयर 3 अपने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया वैसे करना और स्टेप बाय स्टेप करना जैसे यहाँ पे से स्टेज है वैसे वैसे क्लियर करते जाऊँ। पहला दिन तो भाई आपको कोई भी मैच स्टार्टिंग में खेलना नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में जब जैसे गेम रिसेट हो तो भाई कोई भी मैच खेलना नहीं, टाइम लिमिट जरूरत है। आपको पहले ये स्टेज 1 से स्टार्ट करना है, फिर जो जो मिशन है वो आप धीरे धीरे कंप्लीट करो, आपका सारा मैचेस कंप्लीट हो गया। अभी मल्टीवर्स इन्वेंशन मुझे 2 बार खेलना बाकी है, ओके तो हो जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसका नहीं आ रहा है वो एक बार पिन कमेंट चेक कर लो, लिंक वीडियो में मिल जाएगी, आपको फिक्स हो जाएगा कि भाई आपको टीयर 3 गाइड कोर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको। प्लीज़ अपने पिन कमेंट चेक कर लेना, वीडियो देखना और इस वीडियो के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।